नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। दिल्ली पुलिस में आ गई बम्पर भर्तियाँ। हाँ जी फ्रेंड, आप सही सुन रहे हैं, दिल्ली पुलिस में बम्पर भर्तियाँ आ चुकी हैं। बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में और जानेंगे कितनी वैकेंसियाँ हैं और कब तक आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम पर्पल की अपडेट्स, कोई नया नोटिस आता है तो आपके लिए ज़रूर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी के साथ बेल आइकन को नहीं दबाएं, जिससे कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे हमारा और मोटिव बनेगा और हम अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे और लाने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको फ्रेंडों को भी इस चैनल का पता चल सके। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स वो न्यूज जो पेपर में आई हुई है। जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, ये अमर उजाला के पेपर में आई हुई है। आप अमर उजाला की 11 अगस्त के पेपर में 9 नंबर पेज पर जाकर देख सकते हैं। दैनिक जागरण में भी पेपर में आया है, उसमें 9 नंबर पेज पर जाकर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं जो आपको है, मतलब मेन न्यूज़ बता दे रहा हूँ। पूरा न्यूज़ बताऊँगा तो पूरा बहुत टाइम लग जाएगा इस वीडियो में, इसलिए मैं मेन न्यूज़ आपके लिए बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, उन्होंने दिल्ली पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को 10% से बढ़ाकर 30% करने का जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस में 12,000, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, पहले महिलाओं के लिए ये 10% सीट जो होती थी, अब 30% सीट हो चुकी हैं। और यहाँ पर 12,000 से अधिक कर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव दिया था, जिसमें से 3,000 पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। देखिए फ्रेंड, 3,000 जो पद थे वो पहले ही मिल चुके थे, लेकिन इस पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी 4,000 पदों को स्वीकृति मिलने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, 3,000 पदों को तो पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है, 3,000 पदों को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन 4,000 पदों को अभी और स्वीकृति मिलना बाकी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और देखिए फ्रेंड, न्यूज़ में एक्चुअल न्यूज़ नहीं है, जो आपने थंबनेल पर देखा 7,149 पद, तो 7,149 पद आने वाले हैं। पेपर में एक्चुअल न्यूज़ नहीं दिया है, आप दैनिक जागरण पेपर में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको 7,149 ही पद देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये तैयार कर लीजिए फ्रेंड्स, जल्दी ही आपके लिए ये न्यूज़ आने वाली है। और जब भी न्यूज आएगी, जब भी फॉर्म ऑनलाइन होगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भूलें फ्रेंड, लाइक करके एक बार ज़रूर जाएँ और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंडों में पता चल सके इस न्यूज़ का। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलें फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ढूंढ ढूंढ कर न्यूज़ लाने की कोशिश करते हैं। और आप अगर जानना चाहते हैं कब फॉर्म ऑनलाइन होंगे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस आपका हमारा मेन मोटिव था आपसे कि हम आपके लिए अपडेट करते रहें, इसलिए फ्रेंड्स आपको अपडेट करने के लिए इस वीडियो को लाए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।